नमस्कार, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। आज एक पारिवारिक जमीन की झगड़े में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति का हाथ टूटी सर फूटी। आपको बता दें कि झगड़ा पारिवारिक है। दरअसल कृष्ण कुमार का एक प्लाट है जो रोहिणी में पड़ता है, उस जमीन को चाचा ताऊ हड़पना चाहते थे। कृष्ण कुमार के चाचा ताऊ और उनके गुंडों ने कृष्ण कुमार की जबरदस्त पिटाई लगा दी, जिसकी शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। लेकिन कोई सेवा इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा विश्वसनीय नहीं मिला। घायल कृष्ण कुमार राणा का कहना है कि अपने गाड़ी में रोहिणी सेक्टर 10 के इंडियन ऑयल पंप से गैस भरा कर जाने लगा तो एक स्विफ्ट गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। जब मैंने अपनी गाड़ी को बैक करने लगा तो एक गाड़ी पीछे से आकर गाड़ी के पास लगा दिया। फिर उसमें से कुछ गुंडे बदमाश निकले, मुझ पर और गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया और सर पर गंभीर चोट लगी है। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद जब गाड़ी के समीप पहुंचा तो गाड़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया और गाड़ी के अंदर बैग में 2 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। वो बैग और गाड़ी की चाबी दोनों गाड़ी से गायब थी। फिर 112 पर PCR कॉल कर पुलिस बुलाई गई। 2 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे और पूछताछ कर अम्बेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। लड़ाई झगड़े में मेरी सोने की चेन छीन ली गई और गाड़ी के अंदर से गाड़ी की चाबी और 2 लाख रुपए उन लोगों ने लेकर भाग गए हैं। आपको बता दें कि सारा मामला यह है कि कृष्ण कुमार के चाचा ताऊ ने कृष्ण कुमार के एक प्लॉट का डुप्लीकेट कागज बनाकर जबरन कब्जा करना चाहता था, जिसकी मुकदमा रोहिणी कोर्ट में चल रही है। इसी बात को लेकर आपस में इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। तो आइए देखते हैं पत्रकार जोगिंदर डोगरा की एक रिपोर्ट में। उन्होंने उसके अंदर वो फोर्जरी करके अपने नाम की पिन और हमारे नदी बनवाने के बाद उसने उसके 420 के ऑर्डर हो गए। तो उसके बाद इन्होंने हमें जान से मारना कहा कि भाई तुमने फोटो या तो पेस वापस ले लो तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसके बाद फिर मैं अपना वहाँ चला गया था देहरादून। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने देखा कि मैं तारीख पर आऊँगा, तो तारीख पे आने के बाद 27 तारीख थी मेरे में रोहिणी कोर्ट के अंदर। उसमें कोर्ट के बाद जब हम रात को अपने घर पे आ रहे थे तो उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला करवाया बिठाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास। तो वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। मेरी सारी गाड़ी और मेरे गले की चेन तोड़ी है, 2 लाख रुपये कैश दिखा दिए इन्होंने। मैं किसी तरह भागकर बिठाड़ा मेट्रो थाने के अंदर घुसा जब ताकि मेरी जान बची। वहाँ से फिर मैंने जाके देखा, फिर मैंने कंप्लेंट करवाई। 28 तारीख को मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है चापा के थाने के अंदर उनके नाम से। उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू उस दिन तो बच गया, अब तेरे को हम छोड़ेंगे। फिर मैं उसके बाद यहाँ जॉइंट कमिश्नर के पास कल आया। कल आने के बाद मैं जॉइंट कमिश्नर के रिसीविंग हुई कि सर मतलब मेरे को जान का खतरा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कार्रवाई करते हैं, आप जाओ। उन्होंने मेरे को डीसी के साथ बात भेजा, वहाँ से भी मैं अपनी एक लेके आया हूँ। उन्होंने भी मेरे को डीसी के साथ बुलाया था कि आज आप आ जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ। लेकिन उन्होंने रात को ये कहा कि तो बहुत जॉइंट कमिश्नर और DCP के पास घूम रहा है, तेरे को जान से मरवाएंगे तभी तुम शांत बैठेगा। उन्होंने रात को हमारे घर परिवार में डेथ हो रखी थी, तो कल की उनकी देर भी है। तो हम परिवार वाले सब इकट्ठे बैठे हुए थे कि कल क्या करना है, तो उस बारे में बात करने के लिए इन्होंने देखा कि सारे के सारे परिवार इकट्ठा है, इनको एंट्री करवा देते हैं। तो इन्होंने बात करके सारे अपने वहाँ से गाड़ी वाड़ियाँ अपने गुंडे गुंडे बुलाए और वहाँ पे हम बैठे। आते गाली गलौज और हमें मारना स्टार्ट कर दिए। आते ही उसने दीपक, उनके पास लाइसेंस हथियार है दोनों भाइयों के पास, और उसको दिखा के उन्होंने उससे मेरे सर पे यह मारा सीधा उसका वो हैंडल, और उसने करके पूरा ही सारा सर तोड़ रखा और जी मेरे हाथ पे डंडे वगैरह हाथ तोड़ रखा था और सारी चोटें आ रखी हैं। बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से हम आए। अब क्या अगला कदम रहेगा सर? बस ये हम चाहते हैं। रात को मैं उसकी एक कंप्लेंट भी देखा है थाने में कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है MLC के बाद, लेकिन हमारी उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं की। कह रहे नहीं हम नहीं ले रहे हैं, अपना तुम अपना खुद आना जो भी करना। हमने कंप्लेंट वगैरह रात को मैंने फोन नंबर पर कॉल भी करी, लेकिन वो कह रहे कि नहीं पुलिस प्रशासन हमारा ही है, हम नहीं सुन रहे। और विपिन यादव जो इनके कुछ थाने के जो SHO हैं वो इसके खास दोस्त हैं, जो इसके ऑफिस वगैरह पे इनकी बातें बातें होती रहती है। तो उनकी आपस में बात हुई कि तू किसी और एरिया में मत कर, जो कि पहले काम जो था उन्होंने करवाया था वो चापा डेरी एरिया में आ गया, लेकिन कह रहे कि तू हमारे एरिया में करवा, हम अपने आप देख लेंगे। इनको जो पूरा मामला है ये जो आपकी भाई है जी, सर के साथ सेल रखे हैं।
सगे मोती के हैं, इन्होंने कहीं आया तो उसकी प्लॉट छोड़ के, नहीं तो मेरे परिवार को मैं अकेला हूँ अपने घर में, पेड़ को मार देंगे तो प्लॉट वाला कोई नहीं रहेगा। एक साल से जी पहले जी धमकी हम दी जा रही थी, प्लॉट सही है और एक साल से हमारा केस नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने सारे डीसी की आगे सारी जगह हमने कंप्लेंट दे रखी है अपनी जान माल के खतरे की, हमें मारने की धमकी देते हैं, हमें सब अपना लाइसेंस भी हथियार दिखा के, हमें तो गोली मार देंगे, हमारा तो लाइसेंस है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे को तेरे घर वालों को तेरे बच्चों को सबको मार देंगे। अपने परिवार में किस किस को चोट पहुंचाई है? चोट मेरी मदर को, मेरे को भी मारी, गेर तक हाथी पर बैठ गया, पर फिर मेरे बच्चे को धमकी थी, मैं बहुत बचा रही थी तो उन्होंने छोड़ नहीं, फिर मुझको भी डाल दिया था, उन्होंने बोला कि इसे जान से मार देंगे, मैं जान से मार के छोड़ेंगे तेरे बच्चों को, तो मैं तो मेरा तुम से नहीं मिलने को ले मौका मिला कि आज ही इसे खत्म कर दें, सर ये आपके साथ मारपीट कब हुई थी? सर ये मेरे को एक बार 27 तारीख की रात को भी हुई थी रिठाल मेट्रो स्टेशन के नीचे, और कल रात को भी घर जाके उन्होंने सब रिठाल मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा रखी थी, सीसीटीवी फुटेज में है, मेरा गाड़ी के अंदर तेल डलवा रहा था, तो जैसे ही मैं गाड़ी में हाथ से बाहर निकला तो उन लड़कों जो मेरे आगे गाड़ी के आगे आगे गाड़ी मारी बहुत तेज, और एक पीछे लगा के, और उसमें से बहुत सारे परिवार उतरे, जिसमें से दो भी हथियार लेके उतरे आगे गाड़ी से, बहुत सारे बेसबॉल के डंडे लेके सारी गाड़ियाँ, और मेरे को मारकर सारी वो मेरी चेन और पैसे लेके। कितनी तारीख की घटना है ये? 27 तारीख की नाइट की घटना है। 10 बजे क्या क्या लूट के ले गए आप? मेरी एक चेन और 2 लाख रुपए, मैं वो भी चला रहा था, मेरे को देहरादून निकलना था। क्या तोले की चेन थी? मेरी थी सर 200 लेके, 2500 लेके चेन थी। तो सर पुलिस प्रशासन के हाथों से वो फरार है? नहीं फरार है, उनके ऊपर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, उनके कह रहे हैं कि हमारी सेटिंग है हम अपने आप कर। जब आपके साथ वो एक्सीडेंट हुआ तो आपके साथ जो धारा लगाई वो उससे आप संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि हम तेरे थाने से जमानत करा देंगे, तू उनके साथ ये करता रहा, मारे भी देगा तो हम अपने आप देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रशासन मिला हुआ है? प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, इनके सारा इनके साथ वो करते हैं, उठना बैठना ऑफिस पे इनके साथ ही है, उनको दीवार खाना सब इनके साथ ऑफिस पे ही बैठता है। यहाँ दिल्ली पुलिस कहती है कि हम सदैव आपके साथ है, क्या आपको दिल्ली पुलिस आपके साथ नजर आ रही है? सर मेरे साथ कोई नहीं है, उस दिन भी मेरे साथ 10 बजे घटना हुई है, 12:30 बजे पीसी आ रही है। शांति सर मैं और आगे तक जाऊंगा, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, फिर आगे हाई कोर्ट जाऊंगा मैं, लेकिन मैं कैसे तो मेरे सारा परिवार को मार देंगे, मेरे को तो आगे जाना ही पड़ेगा अपने परिवार की रक्षा के लिए। शांति सेवा और न्याय की बात करने वाले पुलिस जो है कहती है कि हम शांति सेवा और न्याय देंगे, आप सेवा के लिए गए आपको क्या न्याय मिला? नहीं हमें कुछ नहीं मिला, कह रहे तुम अपने घर पे जाओ, ये हमारा जानकार है कि बस इतना करना है। अच्छा, पुलिस वाला इतना कह रहा है ये हमारे जानकार है, मतलब कानून जो है उसके आगे कुछ नहीं है? नहीं उनके सामने कुछ नहीं, उनके रिश्तेदारी या परिवार के आगे कुछ नहीं है कानून, ये किनका कहना है, ये किसने कहा कि आप जाओ? उन्होंने शाबा डेरिया सचों ने बोला था मेरे को कि तुम जाओ हम अपने आप कर लेंगे, तो हमें करना है, उन्होंने कंप्लेंट दी थी तुम जाओ, लेकिन उन्होंने कोई भी अधिकार नहीं लगाई ना चेन की ना लूटपाट की, जो मेरे को मारने आए थे ना तीन सुधार FIR दर्ज तो होगी। हाँ जी FIR दर्ज होगी, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी कोई अधिकार नहीं लगाई की जो उसके ऊपर कोई अच्छा रखते थे, बस नॉर्मल उसमें अंदर ही कोई डाल दिया ताकि उसके और हौसले बुलंद हुए, और उसे थोड़े दिन बाद मेरे पास फिर घर पूरी फैमिली पे हमला करवा दिया। अपनी धमकी दे रहा है, ये मेरा बेटा है, परसों इसका ऑपरेशन हुआ है, कल इसकी छुट्टी करवा के लेकर आए, इसके पेट में लात मारी चैनल से, इसके ये मारे फोन मारे, इसके मारते मारते मार दो जान से और ये जो मारपीट का जो वारदात आई है कुछ क्या हुआ हो कुछ कैमरे सारे फैक्ट्रियों के गाड़ी आगे बाकी 10 गाड़ी आई रात, एक गाड़ी में से 4 बंदे निकल गए छोटे बेटा और ये देवर का लड़का देख रहे, फिर मंदिर ने मेरा धक्का मारा, सर बहुत कहते हैं तुम धमकी दे रहे हैं, गुंडे लगा रखे हैं, हाँ हम कहीं सब्जी लेने नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मेरे बच्चे के पेट में लाठी लाश बताओ क्या करें, पुलिस हमारी सुन नहीं रही, सुनवाई कहीं से नहीं मिलना,
सर पुलिस वालों के पास जाते हैं तो धमका धमका के बोलते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। सबसे उसका मिला हुआ है, मैं नाम ले रही हूँ, सबसे उसका मिला हुआ है। नितिन यादव सर मिला हुआ है, ऐसा सब जो कहता है मार के डाल दो, मैं अपने आप देख लूंगा। सब कल रात दो बजे गए तो हमारी थाने में सर कोई नहीं मिला, वैसे कॉन्स्टेबल बैठा था, उसने कह दिया कि कार्रवाई होगी, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुम्हारी वो पुलिस वाला पुलिस वाला वो कह रहा है कि लेडीज नहीं जा सकती है थाने में, जब लेडीज नहीं तो बच्चे मारेंगे, बच्चे में तो हम जाएंगे नहीं, मार जाएंगे नहीं, मैं क्या करेंगे बताओ, हमारे क्या बनेगा जी, कैसे जी है, बच्चे हमारे रोड पर नहीं खेल सकते, बच्चे हमारे ड्यूटी नहीं जा सकते, बच्चे हमारे कमा कर नहीं खा सकते, उनके पास तो इतना पैसा दो नंबर का धंधा है, कब्जे करते हैं, खुल खुल के कब्जे करते हैं, बदमाशों के साथ रात में 10 गाड़ी सर, 10 गाड़ी हमारे जो हमारे कैमरे में, गाड़ियों की फुटेज तो सर है हमारे पास, हमारे कैमरे में भी उसमें जाइए रात को, मगर फुटे नहीं है, हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, हम कैसे दी है, या तो हमें मारे तो एक ही दिन मार दे, पूरे परिवार खत्म करवा दे एक ही दिन। हम तो गली के बाहर निकलते हैं, मेरे को घर के नीचे बैठा था, मैं धमकी आया, मेरे को धमकी दे रहा, नहीं दिख मत दियो मेरे को, ये मत कर दी, मैं अपने घर के नीचे बैठ सकता हूँ, घर के नीचे भी नहीं बैठ सकता सर, ये बताइए क्या करूँ मैं, हर कंप्लेंट लेने आता हूँ तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, बोलते जा कर लियो जो होते जाती है, और तो हमें धक्के मारते हैं, हमने बताओ क्या है, हमें धक्के मार मार के मारते हैं, सारे धक्का दे देकर मारते हैं, हमारे गिरोह में भी जाते हैं कहीं, दीपक तो बता रही है कि उन्हीं की मतलब है, हाँ उसी दिन का कहा था ऐसा, मंडी दीपक संजीव ये सारे हैं सर, मेरे घर पे हमारा सबका पारिवारिक जमीन थी, हमारा सबका सेटलमेंट हो गया था, तो इन्होंने इस प्लॉट के चक्कर में बोला, तो मेरे पास नोटिस भेजा कि मैं तेरे का, अगर तू इस प्लॉट से नहीं हटेगा तो मैं तेरे पर प्लॉट पे कब्जा कर लूंगा, घर पे मेरा नोटिस भी भेजा हुआ है, उसकी कॉपी भी है, फोटो कॉपी भी है मेरे पास।